आगे बढ़िए और अब खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ा अपडेट है। महादेव सट्टा के दो आरोपी और दो बैंक अधिकारी गिरफ्तार किए गए। योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अकाउंट खुलवाया गया था। ग्रामीणों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। अकाउंट में लाखों के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली और इसी आधार पर यह एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर रायगढ़ से है। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ा अपडेट है। दो आरोपी और दो बैंक अधिकारी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर है, अधिकारी गिरफ्तार किए गए। योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अकाउंट खुलवाया गया था। ग्रामीणों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। दीपक, वाकई ये बेहद बड़ा मामला था और लगातार इसमें धीरे धीरे लगातार नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या संलिप्तता जो नई गिरफ्तारियां हुई हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि महादेव ऐप के मामले को लेकर लगातार प्रदेश भर में कार्रवाइयां जारी हैं और रायगढ़ में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर दो आरोपी और दो बैंक के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और ये जो बैंक के अधिकारी हैं ये इंडसइंड बैंक के और कर्नाटका बैंक के अधिकारी हैं और इन दोनों को गिरफ्तार किया है रायगढ़ पुलिस ने और सभी से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। और इसमें और भी लोग जो है शामिल हैं तो पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, बयान दे रही है और इसमें और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। शुक्रिया आपका दीपक। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के दो वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का आरोपी पाया गया है। ने वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नेशनल डोपिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। वेटलिफ्टर एकता बंजारे और मिथिलेश सोनकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशिक्षक अजय लोहार पर भी वेटलिफ्टिंग संघ ने प्रतिबंध लगाया है। बड़ी खबर, अहम खबर है। नेशनल डोपिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। दो वेटलिफ्टर के खिलाफ डोपिंग टेस्ट में ये फेल पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से दोनों का जुड़ाव है। और अगर बात करें इनमें वेटलिफ्टर एकता बंजारे और मिथिलेश सोनकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ, न्यूज 18 संवाददाता। तनु, ये वाकई एक बड़ा सेटबैक है छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 3 मार्च को जो है खेलो इंडिया के तहत वुमेन्स लीग का आयोजन जो है वो किया गया था और इस दौरान छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव जिले की एक महिला खिलाड़ी एकता बंजारे ने जो है वो शिरकत की थी और इस प्रतियोगिता में डोप टेस्ट जो है वो किया गया था और इस दौरान महिला खिलाड़ी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था और इस पर वेटलिफ्टिंग संघ ने 4 साल के लिए महिला खिलाड़ी समेत उनके प्रशिक्षण अजय लोहार को जो है निलंबित कर दिया था और इस पर अनुशंसा की जो है वो कार्रवाई भी की गई थी। अब 4 साल तक महिला खिलाड़ी व कोच जो है ऐसी प्रतियोगिताओं का जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। इस मामले में 50,000 रुपए का जो है जुर्माना भी लगाया गया था। इसके साथ ही दोनों पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने का भी जो आरोप है वो लगाया है और इसकी रिपोर्ट नेशनल डोपिंग एजेंसी ने फेडरेशन को जो है वो दे दी है। जी बिल्कुल, चलिए, बड़ी आशा थी इन वेटलिफ्टर से और दूसरे खिलाड़ियों से, लेकिन निराश किया है इन दोनों खिलाड़ियों ने। बहुत शुक्रिया आपका तनु इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस सीएम साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है इस मौके पर और इस बता दें उन्होंने शक्ति को नमन किया और कहा कि ये गौरव की बात है कि रानी दुर्गावती आदिवासी समाज से थी। संसद सत्र में नीट मामले पर संभावित हंगामे पर सीएम ने कहा कि नीट पर पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, मामले में कार्रवाई हो रही है, पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। सरकार के वन और जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप जी हैं, हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष विकास मरकाम जी हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं और हमारे ट्राइबल समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं। सब मिलकर आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि दिए हैं। शुरू हो रहा है, हमारे सभी सांसद गए हैं, वो शपथ लेंगे। पेपर लीक का मामला भी उसमें विपक्ष उठाने की तैयारी में है। अब उसमें तो कार्रवाई हो गई है ना, उसमें जांच का भी आदेश हो गया है और जो उसमें पदाधिकारी वगैरह थे वो हटा दिए गए। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर के माता राजमोहिनी देवी भवन में जनजाति गौरव समाज की ओर से आयोजित वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। जनजाति गौरव समाज की महिलाओं ने सीएम साय का पैर धोकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने महारानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्वच्छता दीदियों का स्वागत किया गया।
वहीं स्वच्छता दीदियों के साथ बैठकर सीएम साय ने भोजन किया और कहा कि हम लोग गांव के रहने वाले साधारण परिवार के हैं, स्वच्छता बहनों के साथ बैठकर भोजन करना गौरव का विषय है। वीरांगना महारानी दुर्गावती जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस अवसर पर जनजाति गौरव समाज अंबिकापुर यहां पर एक गोष्ठी का एक परिचर्चा का आयोजन किया था जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और हम लोग आए हैं। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से सोहन सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश से यहां पर पधारे थे। उन्होंने वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के जीवन पर विस्तार से मतलब व्याख्यान दिया। तो यहाँ की जो हमारी स्वास्थ्यकर्मी दीदी हैं एसएलआर एम सेंटर की जो बहनें हैं वो लगातार कई वर्षों से जो छोटे शहर हैं देश के उसमें अंबिकापुर को नंबर वन में रखी हैं। इसमें स्वास्थ्यकर्मी दीदियों का बड़ा योगदान है, उनके साथ बैठ के भोजन करना ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय होगा। साथ ही अंबिकापुर में सीएम साय का बड़ा बयान, भ्रष्टाचार पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान है सीएम साय का। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी कितनों ही बड़ा क्यों न हो उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, भाईचारा के साथ यहाँ पर रहना चाहिए, उस पर जांच हो रही है और जो भी दोषीदार होगा वो तो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में अगर हम बात करें भ्रष्टाचार पर तो किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के मामले पर। और आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव कैंपेन के द्वारा भी ये एक बड़ा मसला रहा है। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज 18 संवाददाता अंबिकापुर से। श्रवण, कैंपेन में चुनाव कैंपेन में ये सबसे बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष या कहें बीजेपी ने सरकार को घेरा था, तत्कालीन कांग्रेस सरकार को, अब उसी लाइन पर सरकार आगे बढ़ रही है। श्रवण जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभी सीएम साय ने बयान दिया है कि कोई भी हो भ्रष्टाचारी उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एंटी जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो भाजपा की सरकार में अभी कर रहे हैं और हाल ही में इसका जो देखने को मिल रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सरगुजा में तीसरी कार्रवाई बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ने की है और आपको बता दें कि उदयपुर के जो बीआर खांडे जो एसडीएम थे उनको 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए हैं। तो इस तरह से जो है भाजपा के सरकार बनने के साथ ही इस तरह से भ्रष्टाचारियों पर नकेल तो कसी रहे हैं और लगातार जो है एंटी करप्शन जो ब्यूरो है वो कार्रवाई कर रही है और इसी बात को जो है सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी और इसके साथ साथ कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा चाहे वो कितने बड़ा ही बड़ा क्यों ना हो अधिकारी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया श्रवण आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी 25 जून को मनाएगी आपातकाल का काला दिवस। हर जिले में 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाया जाएगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल होंगे। रायगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव शिरकत करेंगे। बिलासपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस काले दिवस में शामिल होंगे।